ओबीएस कहानी नंबर 41 ईसुरा मरिया दे विच ते जी उठना। जब सैनिकां ने ईसु क्रूसा पंदे चढ़ाई ता तो तेथे बाद यहूदी गुरुआ ने पिलातुस आखे बोलिया ते झूठे ईसु ने बोलिया था कि हाँ तीजे दिन मरिया दे विच ते जी उठना। ये देखने खातर आसा कि कब्रां निगरानी करनी चाहिए कि थी एडा ना हो कि तेसरे चेले तेसरा शरीर चुराई के ले जाओ और बाद ते बोली दो किसे मरिया दे विच ते जी उठेगा। पिलातुस ने बोलिया कुछ सैनिकां के ले जाओ और अपनी समझारे अनुसार कब्रां निगरानी करो। इज खातर तिन्हां ने कब्रां दरवाजे पांदे राखे दे पाथरा पांदे मोर लगाई थी और निगरानी करने खातर सैनिकां दा पैरा लगाई था ताकि कोई भी तेसरा शरीर चुराई ना सको। ईसु दे मरने दे बाद अगला दिन सब्बत वाला दिन था। यहूदी पुरोहिता ने ईसु दी कब्रां पांदे जाने दी इजाजत किसके नहीं दिती, पर सब्बत वाले दिन ते अगले दिन सवेरा तड़के ही कई जवान ईसु दी कब्रां पांदे जाने खातर तैयार हुई आ। सो ईसु दे शरीर पांदे और भी खुशबूदार चीजा लगाना चाहती थी। तीनों जवान सारे पहुंचने से पहले कब्रा पांदे एक बड़ा भूकंप हुआ। स्वर्ग से एक स्वर्गदूता ने आई के से पाथर किनारे हटाई था जो कब्रा दरवाजे पांदे रख रखा था और तीज पांदे बैठेगा। ये स्वर्गदूत रोशनी की तरह चमकने लगी रहा था। जो सैनिक कब्रा की निगरानी करने लग रहे थे तीनों ने से स्वर्गदूत देखा सो इतने ज्यादा डरी गए कि मुर्दे की तरह जमीना पांदे गिर पड़े। जब सो जवान सा कब्रा पांदे पहुंचिया तो ते स्वर्गदूता ने तिना के बोलिया डरो मत ईशु इतनी नहीं है से मरिया दे विच ते जी उठेगा दा जेड़ा कि तिने बोलिया था कि हाँ जी उठना। कब्रा विच टोलो और देखो। ते विसो जवान सा कब्रा विच जाए के ईसु दा शरीर टोलने लगिया और तिना ने देखिया कि ईसु दा शरीर एती नहीं है। तब ते स्वर्गदूता ने तिना जवान सा के बोलिया जाओ और जाए के तेसरे चेले के बताओ कि ईसु मरिया दे विच ते जी उठेगा दा और से तुसा ते पहले गलील जिले के जाना। सो जवान सा चौंक गया और बहुत खुश हुई आ। सो चेले के ये शुभ समाचार सुनाने खातर नठिया। जब से जवान सा चेला की ये शुभ समाचार बताने खातर जाने लग रही थी तो बाटा बीच तीना ईसु तीना सामने प्रगट हुआ। सो तेसरे पैरा बीच गिर पड़िया। तभी ईसु ने बोलिया डरो मत जाए के मेरे चेले के बोलो कि गलील जिले के चली जाओ तीना ने हाउ तेती देखना।